कक्षा 11 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। तो इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2 आज हम करेंगे और अध्याय 2 है भारतीय संविधान में अधिकार। तो इसके पहले भाग दो भागों में बांटकर हम इसको करेंगे। तो पहले भाग में हम भारतीय संविधान में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका विस्तार से वर्णन करेंगे और मौलिक अधिकारों की विशेषताएं भी बताएंगे। तो पहला ही प्रश्न है, भारतीय संविधान में दिए गए नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन करो। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनका वर्णन देश के संविधान में होता है। कई बार आपके पास प्रश्न आ सकता है, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? तो मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनका वर्णन देश के संविधान में होता है। मौलिक अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अधिकार नागरिकों के लिए जरूरी होते हैं। यदि नागरिकों को ये अधिकार न दिए जाएं तो उनका जीवन नरक के समान बन जाएगा। भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिनका वर्णन संविधान के भाग 3 में धारा 12 से 35 तक किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। लेकिन यहां यह बात बताने योग्य है कि जब संविधान लागू हुआ था तो नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। दोबारा फिर रिपीट कर रहे हैं, इस लाइन को महत्वपूर्ण लाइन है कि यहां यह बात बताने योग्य है कि जब संविधान लागू हुआ था तो नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 1978 में 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया। 6 मौलिक अधिकार इस प्रकार हैं, उसमें पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 मौलिक अधिकार हैं। एक एक करके विस्तार से प्रत्येक का विस्तार से वर्णन करेंगे और उसमें पहला है समानता का अधिकार। जो सबसे पहला आता है मौलिक अधिकार वो है समानता का अधिकार। इस अधिकार में नागरिकों को अनेक प्रकार की समानताएं दी गई हैं। धारा 14 से लेकर 18 तक इसका वर्णन किया गया है। तो इस अधिकार में नागरिकों को अनेक प्रकार की समानताएं दी गई हैं। उसमें पहला है कानून के सामने समानता, धारा 14 है ये, कानून के सामने समानता। इसका अर्थ यह है कि कानून की नजर में सब बराबर है, न कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, न कोई अमीर है और न ही कोई गरीब है। तो ये धारा 14 में कह रखा है। खै है इसी प्रकार दूसरी जो धारा है वो है भेदभाव की मनाही, धारा 15। इस धारा में कहा गया है कि नागरिकों के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोबारा फिर बताते हैं, नागरिकों के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थान, और सार्वजनिक स्थान कौन से? जैसे सरकारी अस्पताल, पार्क, स्कूल, रेलवे स्टेशन, सभी के लिए खुले रहेंगे। इसी प्रकार तीसरी धारा एक, और वो कहती सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। ये धारा 16 में ये बात कही गई है, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। इसका अर्थ यह है कि सरकारी नौकरियां देते समय किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धारा 17 जो है वो छुआछूत का अंत करने की बात करती है। धारा 17 जो कहती है वो छुआछूत का अंत। तो इस धारा में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अछूतों जैसा व्यवहार करना दंडनीय अपराध होगा। एक महत्वपूर्ण धारा है धारा 17 जो छुआछूत का अंत करने की बात कहती है, और इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अछूतों जैसा व्यवहार करना दंडनीय अपराध होगा, ऐसा अपराध जिसकी सजा दी जाए।
धारा 18 जो है वो बात करती है उपाधियों का अंत। तो इस धारा में यह कहा गया है कि सरकार शिक्षा और सैनिक क्षेत्रों को छोड़कर, सरकार शिक्षा और सैनिक क्षेत्रों को छोड़कर कोई उपाधि नहीं देगी, क्योंकि उपाधि देने से एक व्यक्ति बड़ा हो जाता है और दूसरे छोटे हो जाते हैं। इसी प्रकार दूसरा अधिकार है, और दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। जो मौलिक अधिकार है हमारा वो है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार में नागरिकों को अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। नाम से ही पता लग रहा है स्वतंत्रता का अधिकार, तो अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अगर धारा 19 की अगर हम बात करें, धारा 19, इस धारा में नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, और वो हैं बोलने की स्वतंत्रता या विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, संस्था अथवा संघ बनाने की स्वतंत्रता, बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने की स्वतंत्रता, और अगली स्वतंत्रता है देश के किसी भी भाग में घूमने फिरने की स्वतंत्रता, उससे अगली है देश के किसी भी भाग में रहने की स्वतंत्रता, और एक और स्वतंत्रता जो दी गई इसमें छठी, अपनी इच्छा से कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता। इसी प्रकार स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही धारा 20 है। इस धारा में 3 बातें कही गई हैं धारा 20 में, और ये जो 20 है उसमें से पहली बात है किसी भी व्यक्ति को ऐसे अपराध की सजा नहीं दी जा सकती जो अपराध उसने किया ही नहीं है। किसी भी व्यक्ति को ऐसे अपराध की सजा नहीं दी जा सकती जो अपराध उसने किया ही नहीं है। इसी प्रकार बी जो है धारा 20 में ही जो दूसरी बात कही गई है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध की एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती है। और तीसरी जो बात कही गई है, किसी भी अपराधी को उसके विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। धारा 21 है स्वतंत्रता के अधिकार में ही धारा 21, और ये धारा 21 कहती है, इस धारा में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित विधि के अलावा जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, इस धारा में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित विधि के अलावा जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसी में ही धारा 21 में ही एक और नई धारा जोड़ी गई है, और उसको नाम दिया गया है धारा 21 क। ये क्या है? तो यह धारा नवंबर 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को, किसको? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। इस धारा में यह कहा गया है कि राज्य मतलब सरकार, राज्य 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देगा। स्वतंत्रता के अधिकार में ही एक और धारा है धारा 22। इस धारा में 4 बातें कही गई हैं, क्योंकि इसमें सभी व्यक्तियों को कई प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं अलग अलग धाराओं के अंतर्गत। तो धारा 22 में 4 बातें कही गई हैं, उसमें से पहली है किसी भी नागरिक को उसका दोष बताए बिना बंदी या फिर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पहली है किसी भी नागरिक को उसका दोष बताए बिना बंदी या गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दूसरी जो बात है वो है बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपने वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। जो तीसरी बात जो कही गई है, बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर निकट के न्यायालय में या निकट की अदालत में पेश करना होगा। और चौथी जो बात है वो है किसी भी अपराधी को न्यायालय की आज्ञा के बिना 24 घंटे से ज्यादा जेल में नहीं रखा जाएगा। किसी भी अपराधी को 24 घंटे से न्यायालय की आज्ञा के बिना 24 घंटे से ज्यादा जेल में नहीं रखा जाएगा। तो इस प्रकार से धारा 24 में 4 बातें कही गई है। तीसरा जो मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, महत्वपूर्ण अधिकार है ये भी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इस धारा में जो ये है जो शोषण का विरुद्ध अधिकार है, वो वास्तव में इसमें 2 धाराएं जोड़ी गई हैं, और उसमें पहली जो है वो है धारा 21।
इस धारा में यह कहा, जो पहली जो धारा जोड़ी गई है, क्योंकि 23 से 24 तक इसका वर्णन किया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार का, तो जो कै नंबर पर धारा आती है, धारा 23 है, 21 नहीं, धारा 23। इस धारा में यह कहा गया है कि मनुष्य द्वारा मनुष्य का व्यापार और बिना वेतन के बलपूर्वक काम करवाना दंडनीय अपराध होगा। मनुष्य द्वारा मनुष्य का व्यापार और बिना वेतन के बलपूर्वक जबरदस्ती काम करवाना दंडनीय अपराध होगा। इसी प्रकार धारा 24 है, इस धारा में यह कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी फैक्ट्री, कारखाने या ढाबे में काम करवाना दंडनीय अपराध होगा। तो इसकी ये जो अधिकार है आपको, ये शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता आपको देता है, शोषण के विरुद्ध आपको बताता है। उसके बाद है चौथा जो मौलिक अधिकार है, वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है ये भी, वैसे तो सारे के सारे अधिकार महत्वपूर्ण है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार में नागरिकों को निम्नलिखित धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं। धारा 25 की अगर हम बात करें, तो धारा 25 में यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने, उसका प्रचार करने तथा किसी भी ढंग से पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता होगी। किसी भी या प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने, उसका प्रचार करने और किसी भी ढंग से पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता होगी। इसी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में एक और धारा है, धारा 26। इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धर्म का प्रचार करने के लिए संगठन या शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार होगा। धारा 27 है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में, क्योंकि धारा 25 से लेकर 28 तक इसका वर्णन किया गया है। तो धारा जो 27 है, इस धारा में यह कहा गया है, धारा को अनुच्छेद भी हम कह सकते हैं, अनुच्छेद, तो इस धारा में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा चंदा देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, किसी भी व्यक्ति को ऐसा चंदा देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जिसको इकट्ठा करने से किसी धर्म का विकास होता है। इसी प्रकार धारा 28 है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में ही, इस धारा में यह कहा गया है कि सभी सरकारी स्कूलों में तथा सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले स्कूलों में, अर्थात ऐसे स्कूल जिनको सरकार पैसा देती है, सभी सरकारी स्कूलों में तथा सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले स्कूलों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पांचवा मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इस अधिकार का जो वर्णन है वास्तव में वो उन धारा 29 और 30 में किया गया है। तो इस अधिकार में निम्नलिखित बातें कही गई हैं। धारा 29 ए की अगर हम बात करें, 29 ए की, तो इसमें भारत के किसी भी भाग में रहने वाले लोगों को अपनी भाषा, लिपि, किसी भाषा की लिखाई को लिपि कहते हैं, कैसी और किस तरह से लिखी जाती है कोई भाषा, तो भारत के किसी भी भाग में रहने वाले लोगों को अपनी भाषा लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। ये धारा 29 एक में कहा गया है। और धारा 29 दो जो है वो कहती है कि इस धारा में यह कहा गया है कि सभी सरकारी स्कूलों में तथा सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले स्कूलों में धर्म, जाति, भाषा, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर प्रवेश देने से या एडमिशन देने से नहीं रोका जाएगा। धारा 30 है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की, और ये धारा जो है वो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को, जो संख्या में कम है धर्म के आधार पर, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार होगा, ये इसमें कहा गया है। और छठा जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है, यह अधिकार सभी अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट लाइन है, यह अधिकार सभी मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। इंपॉर्टेंट लाइन है, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, तो
तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार में यह कहा गया है कि यदि नागरिकों के मौलिक अधिकार उनसे छीने जाते हैं तो उनकी रक्षा के लिए वे धारा 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में कि अगर आपके मौलिक अधिकार आपसे छीने जाते हैं तो धारा 32 जो है उसके तहत आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय में और धारा 226 के तहत उच्च न्यायालयों में आप सीधे जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकार आपसे छीने जाते हैं। और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित लेख कह लीजिए उनको या फिर रिट कह लीजिए WRIT निम्नलिखित प्रकार के जब कोई व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार छीने जाते हैं कोर्ट में जाता है अदालत में जाता है तो न्यायालय क्या करेगा, तो न्यायालय निम्नलिखित लेख या फिर रिट जारी कर सकता है। उसमें पहला जो लेख आता है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण वास्तव में लैटिन भाषा के हैबियस कॉर्पस से बना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण लैटिन भाषा के हैबियस कॉर्पस से बना है जिसका अर्थ होता है सहशरीर उपस्थित करो, लेट्स हैव द बॉडी। इसका अर्थ यह है कि यदि सरकार के किसी अधिकारी ने किसी व्यक्ति को बंदी या गिरफ्तार कर लिया है या बंदी बना लिया है तो इस लेख के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय सरकार को आदेश दे सकता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर किसी निकट की अदालत में पेश किया जाए। 24 घंटे के अंदर अंदर किसी निकट की अदालत में पेश किया जाए ताकि उसकी गिरफ्तारी के कारणों का पता लगाया जा सके। और यदि अदालत को लगता है कि उसकी गिरफ्तारी गलत है तो अदालत उसे छोड़ने का आदेश दे सकती है। एक और लेख जो अदालत जारी कर सकती है यदि नागरिकों के मौलिक अधिकार उनसे छीने जाते हैं और वो है परमादेश लेख, रिट ऑफ मैंडामस कहते हैं इसको। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, वी कमांड। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते या परम आदेश। इस लेख के द्वारा न्यायालय सरकारी अधिकारियों से ऐसे काम करवा सकता है जिनको वे किसी कारण से न कर रहे हों और जिनके और उनके काम न करने के कारण नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन रहे हों। इसी प्रकार एक और लेख है जो न्यायालय जारी कर सकते हैं और वो है प्रतिषेध या फिर निषेध लेख, इसको रिट ऑफ प्रोहिबिशन कहते हैं, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रतिषेध या निषेध का अर्थ होता है मनाही करना, मना करना। इस लेख के द्वारा न्यायालय सरकारी अधिकारियों को ऐसे काम करने से रोक सकता है, सरकारी अधिकारियों को ऐसे काम करने से रोक सकता है जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। सरकारी अधिकारियों को ऐसे काम करने से रोक सकता है जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं या जिनको करने से नागरिकों के मौलिक अधिकार छीनते हैं। तो एक और लेख है और वो है उत्प्रेषण लेख, रिट ऑफ सर्सरी इसको कहते हैं, उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण का अर्थ होता है पूरी जानकारी भेजो, टू बी फुली इन्फॉर्म्ड। उत्प्रेषण का उत्प्रेषण ऊपर भेजना, प्रेषण का मतलब होता है भेजना और उत का मतलब होता है ऊपर भेजना। तो उत्प्रेषण का अर्थ होता है पूरी जानकारी भेजो, टू बी फुली इन्फॉर्म्ड। यह लेख बड़ी अदालत द्वारा छोटी अदालत को जारी किया जाता है। इस लेख के द्वारा बड़ी अदालत छोटी अदालत में चल रहे किसी भी मुकदमे को अपने पास मंगवा सकती है और यदि उसे लगता है कि उस न्यायालय में व्यक्ति को सही न्यायालय नहीं मिल पाया है, बताया है कि इस लेख के द्वारा बड़ी अदालत छोटी अदालत में चल रहे किसी ऐसे मुकदमे को अपने पास मंगवा सकती है यदि उसे लगता है कि उस न्यायालय में व्यक्ति को सही न्याय नहीं मिल पाएगा। पांचवा जो लेख है जो सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय जारी कर सकते हैं वो है अधिकार परीक्षा लेख, अधिकार परीक्षा लेख, रिट ऑफ को वारेंटो इसको कहते हैं। परीक्षा का मतलब होता है पूछना कि किस अधिकार से, रिट ऑफ को वारेंटो। इस लेख का अर्थ होता है किस अधिकार से, अंडर व्हाट अथॉरिटी। इस लेख का अर्थ होता है किस अधिकार से। इस लेख के द्वारा न्यायालय किसी भी सरकारी अधिकारी से यह पूछ सकता है कि उसने किस अधिकार से अमुक प्रकार की कार्यवाही, अमुक प्रकार का काम किया है, क्या ऐसा करना उसके अधिकार क्षेत्र में आता है।
और यदि न्यायालय को लगता है कि अधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया है तो न्यायालय उसके काम को गैर कानूनी घोषित कर सकता है। इसी में ही दूसरा प्रश्न है और महत्वपूर्ण है, मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषताएं बताइए। कई बार आ जाता है कि मौलिक अधिकारों की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषताएं बताइए। उसमें जो पहली विशेषता है वो व्यापक और विस्तृत। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में धारा 12 से लेकर 33 तक किया गया है। इन धाराओं में मौलिक अधिकारों का विस्तार से वर्णन किया गया है। दुनिया के किसी भी संविधान में मौलिक अधिकारों का इतना विस्तार से वर्णन नहीं किया गया है जितना भारत के संविधान में किया गया है। दूसरी जो मौलिक अधिकारों की विशेषता है वो है, मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार असीमित नहीं, बल्कि इन पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। नागरिक इनका मनमानी से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। असीमित का मतलब है कि नागरिक इनका मनमानी से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इन अधिकारों पर इतने प्रतिबंध लगाए गए हैं कि कुछ लेखकों का तो यहां तक कहना है कि भारत का संविधान एक हाथ से तो मौलिक अधिकार देता है लेकिन दूसरे हाथ से वापस भी ले लेता है। तीसरी जो मौलिक अधिकारों की विशेषता है वो है केंद्र और राज्य की शक्तियों पर प्रतिबंध। केंद्र और राज्य की शक्तियों पर प्रतिबंध। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाते हैं। कोई भी सरकार किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। एक चौथी विशेषता है मौलिक अधिकारों की कि मौलिक अधिकार न्याय योग्य है। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिएबल। तो इसका अर्थ यह है, न्याय योग्य का मतलब है कि इसका अर्थ यह है कि यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकार छीने जाते हैं तो वह उनकी रक्षा के लिए न्यायालय में जा सकता है। जस्टिएबल है, जस्टिस एबल है ये। तो यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकार छीने जाते हैं तो वह उनकी रक्षा के लिए न्यायालय में जा सकता है और न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए कई प्रकार के लेख जारी कर सकता है, जो ऊपर हमने बताया है, परमादेश लेख, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, प्रतिषेध लेख। तो इस प्रकार से कई प्रकार के लेख जारी कर सकता है। और मौलिक अधिकारों की पांचवी विशेषता है, मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के लिए है। मौलिक अधिकारों की एक विशेषता यह भी है कि इनको देते समय नागरिकों के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है, बल्कि ये अधिकार सभी को प्रदान किए गए हैं। तो ये कुछ मौलिक अधिकारों की विशेषताएं हैं जो कई बार पेपर में आ जाती है। धन्यवाद।